खूंटी जिले अंतर्गत अवैध तरीके से हो रहे बालू उत्खनन पर लगेगी रोक। खबरों को विस्तार से बता दें तो मंगलवार को तोरपा थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से बालू ले जा रहे हैवा ने एक बारात जा रहे गाड़ी को जोरदार की टक्कर मार दी, जिसमें मौके से ही तीन बारातियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं इस घटना को लेकर तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कोचे मुंडा बुधवार को उपायुक्त से मिलने खूंटी पहुँचे, जहाँ मिलकर उन्होंने अवैध तरीके से हो रहे बालू उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की और अवैध तरीके से बालू उत्खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। उपायुक्त से मिलने के क्रम में कोचे मुंडा के साथ सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार भी मौजूद रहे, जहां मनोज कुमार द्वारा भी अवैध तरीके से हो रहे बालू उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि विधायक कोचे मुंडा और सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार की बातों को सुनने के बाद उपायुक्त ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और अवैध तरीके से हो रहे बालू उत्खनन पर रोक लगाई जाएगी, संबंधित उत्खनन करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। हमने विधायक कोचे मुंडा, उपायुक्त शशि रंजन और सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार से भी बात किया है। हम तीनों की बातों को एक एक कर सुनवाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से हो रहे बालू उत्खनन पर रोक लगाई जाएगी और साथ ही इस प्रकार के उत्खनन करने वाले के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह का घटना ना हो, जो अवैध बालू का उठाव हो रहा है ये सब का भी ना ही हो, जो टास्क फोर्स बना है उस पर निगरानी रखिए। और हम लोग ये भी मांग किए हैं कि नए सिरे टास्क फोर्स बनाइए और आश्वस्त किया है कि हम लोग अलग से फिर टास्क फोर्स बनाएंगे। इस तरह का जो रोड में अवैध ढंग से जो मिट्टी बालू का उठाव हो रहा है, इसी के चलते एक्सीडेंट सब हो रहा है, रोड भी खराब हो रहा है। हम लोग डीसी साहब के सामने बात रखता हूँ और समय देते हैं इस पर डीसी साहब क्या कार्रवाई करते हैं। देखिए, तीन तरह का अवैध खनन है यहाँ पर। पहला तो जो फॉरेस्टेड एरिया में अवैध खनन हो रहे हैं उसको लेकर के कार्रवाई करनी जा सकता है। दूसरा है कि कुछ बालू घाट से अवैध खनन हो रहा है। तीसरा है कि अवैध खनन का रूट बना हुआ है ये, जिसमें दूसरे जिले से आते हैं और इस जिले से होते हुए आगे के जिले में जाते हैं। तो उन तीनों पर हम कार्रवाई करने की आवश्यकता है। टास्क फोर्स यहाँ पे हम लोगों ने निर्णय लिया है, टास्क फोर्स ऑलरेडी है और पहले सीजर काम किया है, लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टास्क फोर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से जिला स्तरीय हो, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट का यूज नहीं किया जाएगा। खुद से ही टास्क फोर्स यहाँ जाएगी, कार्रवाई करेगी और उसका एज इट इज़ एंड रिजल्ट पे लेने की कोशिश करेगी। हमने पहले भी बहुत सारे गाड़ियाँ पकड़ी है, हाईवा पकड़े हैं, इस बार भी कार्रवाई करके अकॉर्डिंगली अंडर प्लान हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों का निचले लोग अदालत के माध्यम से फाइन पे सस्ते पे छूट जाता है, और चूंकि अभी मामला थोड़ा सा संगीन होते जा रहा है तो हम लोग कोशिश करें कि जो उसके किंग पिन है उन पे भी कार्रवाई करें, उनको जो भी धाराएं लग सकती है, एक्ट इनके अंतर्गत लगाया जाता है, मानी एक्ट के अंतर्गत, और जो चूंकि थेप्ट का भी मामला बनता है तो उनके किंग पिन पे हम कार्रवाई करेंगे और इसमें बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बालू माफिया और प्रशासन की ये जो अवैध बालू उत्खनन हो रहा है, ये सरासर जिला के ट्रैक फोर्स, जिला के जो प्रखंड स्तर में ट्रैक फोर्स जो बनी हुई है, जिला स्तर में जो ट्रैक फोर्स बनी हुई है उनके ऊपर जिम्मेवारी जाती है। चूँकि ये खूंटी थाना में ग्रामीणों के साथ वार्ता के दौरान माननीय विधायक तोरपा कोचे मुंडा जी के उपस्थिति में ये बात हो रही थी। सीओ तोरपा का यह स्पष्ट कहना है कि विगत कुछ महीनों से यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसकी मैंने लिखित में जिला प्रशासन को सूचना दे चुका हूँ। अब बात ये उठती है, जिला प्रशासन को सूचना हुई और ये हादसा हुआ और बालू उत्खनन करने वालों के ऊपर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है, इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि शासन, झारखंड सरकार जिसमें लिप्त है, उसको संरक्षण प्राप्त है यहाँ के पदाधिकारियों को, जिसके एवज में यहाँ अवैध उत्खनन वस्तुतः जारी है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों के बीच माननीय तोरपा विधायक और पार्टी के वरिष्ठ जन, जिला अध्यक्ष हुए, जिला प्रतिनिधि और भी जो लोग हैं, सामूहिक रूप से इसका प्रतिकार करने के लिए ये हम लोग रोड में उतरेंगे। अगर जिला प्रशासन, जो अभी माननीय डीसी महोदय जी के यहाँ जो बात हुई है, एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे।
तो अभी आपने सुना विधायक, उपायुक्त और सांसद प्रतिनिधि से कि बालू के अवैध उत्खनन करने वाले के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो खूंटी ज़िले की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी ज़िले की तमाम छोटी बड़ी खबरें।